जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। FCS सॉफ्टवेयर के नाम से सॉफ्ट कंपनी इस कंपनी को जानते हैं। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि जब से मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ तकरीबन 1.5-2 रुपये के आसपास इसका प्राइस था, तब से हम लोग इस वीडियो को कवर कर रहे हैं और 1.5-2 रुपये से प्राइस आज देख सकते तकरीबन 5 रुपये के लेवल को भी पार कर चुका है। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से अभी इसके इन्वेस्टर्स थोड़े से घबराए हुए हैं। उसी घबराहट को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि अभी आपको इस स्टॉक में क्यों बने रहना चाहिए। साथ में यह भी बताऊंगा कि जो नए व्यक्ति हैं वो अभी तक इसमें एंट्री नहीं ले पाए हैं तो उन्हें कहाँ पे जाके एंट्री लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको छोड़ना नहीं है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना ही रखना है। इसलिए चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए गिरावट क्यों हो रहा है इसके स्टॉक में, उसको हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं शुरू से कि कंपनी काम क्या करती है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये जो कंपनी है IT इंफ्रा मैनेजमेंट की सुविधा देती है, IT से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखिए IT संबंधित कोई ये सामान नहीं बनाती, ना ही कोई सॉफ्टवेयर ना कोई हार्डवेयर बनाती, बस IT से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें किस प्रकार से सहायता करनी वही ये कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बेसिकली एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो काम को पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कि IT सेक्टर का भविष्य तो वैसे ही उज्ज्वल है और IT को सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, तो जाहिर सी बात है जब IT सेक्टर में तेजी आएगी तो उसके रिलेटेड जो अन्य कंपनियां जो उसको सपोर्ट करती है उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी और ये तेजी हमेशा इसमें बने रहने के चांसेस रहेंगे। यदि फंडामेंटल डिस्कस करें तकरीबन 856 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और स्टॉक का PE काफ़ी महंगा है, तो हम लोग तो PE को देख के उसके हिसाब से जो शेयर प्राइस होता है वहाँ पर तो एंट्री नहीं लेते हैं, हम लोग हमेशा चार्ट पर देखते हैं, जहाँ पर लेवल मिलता है वहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो इसलिए हमें PE कुछ खास मायने नहीं रखता हमारे लिए। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़िया है, ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी बढ़िया बात है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात है कंपनी का जो ROE है और ROCE अभी मतलब प्लस में है, माइनस में नहीं। सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं ना उनका ROE आप देखेंगे माइनस में होता है, लेकिन यहाँ प्लस में है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है, तभी इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो प्लस में है। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, काम भी काफ़ी बढ़िया है और फंडामेंटल भी आपको थोड़ा थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो अब हम लोग जब क्वार्टरली रिजल्ट को समझेंगे वहाँ पे अब ये समझेंगे कि फंडामेंटल धीरे धीरे इसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझ लेते हैं इसके प्राइस में गिरावट क्यों आ रहा है और हमें नया व्यक्ति कहाँ पर इसमें एंट्री ले सकता है। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे यहाँ पर जब स्टॉक कंसोलिडेट करा था, कंसोलिडेशन से बाहर निकला, प्राइस ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है पहले रेजिस्टेंस रहा हो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इससे प्राइस ऊपर निकला गया और यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको पहले से जो इतिहास में होते आ रहा है उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद कहाँ जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो आपको क्या करना है, जो नए व्यक्ति हैं वो अभी इसमें एंट्री मत लीजिए जब तक कि इसका प्राइस ऊपर ना निकले। 5.50 रुपये के ऊपर निकलेगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, भले आपको महंगा मिलेगा लेकिन एंट्री ले लीजिएगा, बाद में प्राइस फिर गिरे तो आप उसमें ब्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिएगा जब तक कि इसके ऊपर ना निकले। हाँ, नीचे आता है इस लेवल के आसपास 4.50 रुपये के आसपास और यहाँ तक आने के बाद फिर ऊपर उठने लगता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 4.50 रुपये के आसपास या फिर 5.50 रुपये के आसपास, अभी बीच में एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, ये अभी कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन में आना जरूरी था। कंसोलिडेट करके प्राइस फिर ऊपर निकलेगा बाउंस बैक के साथ, तो फिर इसका प्राइस आपको इजिली 7-8 रुपये तक इजिली जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे यदि हम लोग मेजर रेजिस्टेंस देखें तो इस कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस है 8 रुपये के आसपास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे मैंने आपको बताया, तो इजिली इसका प्राइस 8 रुपये के आसपास आएगा। ये जो अभी 5 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है ना, देखिए जिसमें बताया था ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इससे बाहर निकलेगा तो इजिली प्राइस आपको 8 रुपये के आसपास आते हुए दिखेगा। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पे एंट्री लेगा जैसे प्राइस ऊपर निकलने लगेगा तो उसको कम से कम 8 रुपये तक के लिए इजिली बहुत कम समय में प्रॉफिट हो सकता है। तो चार्ट पर अभी भी मजबूती बना हुआ है, स्टॉक अपने आपको बाउंस बैक करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना होगा। बाकी कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत बढ़िया हालत में है और स्टॉक का प्राइस जो मतलब कंपनी काम करती है उसके भी आपके लंबी अवधि में और भी ऊपर जाने के चांस रहेंगे। अभी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को समझे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको पता लगेगा जो कंपनी का सेल्स है वो क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ते हुए ही दिख रहा है। सेल्स बढ़ाने के साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यह भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो नेट बिजनेस से कमाई होता है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में ये बहुत कम हो गया था, लॉस में चला गया था, लेकिन अभी आपको जैसे पता है कि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है Q3 का, तो Q3 के रिजल्ट में इस स्टॉक का जो जो मतलब नेट प्रॉफिट होगा वो प्लस में रहेगा, आप यकीन मानिए। और एक बार इसका नेट प्रॉफिट प्लस में आ गया, कंपनी प्रॉफिट में आ गए, तो उसके बाद स्टॉक का प्राइस और तेजी से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो हो सकता है जो 8 रुपये का लेवल है उसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाए।
तो ओवरऑल अगर बात करें एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली भी टेक्निकली भी आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। नहीं है तो जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जो भी कीजिएगा आप अपने विवेक से कीजिएगा, मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई नया सवाल है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।